में आज से फिर शुरू हुई शराब की दुकानों को लेकर जिला आबकारी अधिकारी सुनील भाटी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। लॉकडाउन पार्ट 3 लागू होने के साथ ही प्रदेश भर में शराब की दुकानें खोल दी गई, लेकिन से जैसे ही शराब की दुकानें खुली और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, कानून व्यवस्था बिगड़ती देख आबकारी विभाग ने निर्णय लिया। जयपुर जिले में शराब की दुकानों पर कल शराब की बिक्री रोक दी गई, लेकिन आज से फिर शराब की बिक्री शुरू कर दी है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरकार की गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, उसकी पूरी पालना लॉकडाउन के तहत की जा रही है। लगातार जिला आबकारी अधिकारी सुनील भाटी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर जिले में शराब की दुकानों पर किस तरह की कानून व्यवस्था है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किस तरह हो रही है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सुनील भाटी। सुनील जी, आज दुकानें वापस खोल दी गई, किस तरह से पूरी व्यवस्था रहेगी? बेसिकली कल जिस तरह की घटना हमें देखने को मिली और दुकानदारों द्वारा कुछ जगह पे हमारे को ये कंप्लेंट मिली कि कहना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, तो उसको लेके कुछ दुकानों को कल हमको बंद भी करना पड़ा। आज कल हमने सभी को डायरेक्शंस दे दिए थे, तो आज लगभग सभी जगह पे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को लेके बैरिकेटिंग की है, गोले वोले बना के जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो मेनटेन करके किया जा रहा है। हमारे यहाँ से हमने लगभग हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी टीम बना के उनको राउंड द क्लॉक वो पूरा मौके पे जाके देख रहे हैं कि कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं मिले यहाँ जहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो, और नॉर्मल दूरी मेंटेन करते हुए जो भी गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेके उनको फॉलो करते हुए ही क्या ना वो दुकानों में संचालित की जाए। सर, किस तरह का आज पैटर्न अपनाया जो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, जिस तरह बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्या पैटर्न है आज का कि जिससे कि पूरी कानून व्यवस्था बनी रहे? बेसिकली एक तो सभी जो लाइसेंसी हैं उनको ये डायरेक्शन दिए गए थे कि वो अपनी दुकान पे एक बैरिकेडिंग कर लें ताकि क्रमबद्ध तरीके से लाइन से लोगों को क्या नाम लेकर सप्लाई की जा सके। दूसरा, सभी दुकानों को हमने डायरेक्शन दिए हैं कि वो सैनिटाइज़र यूज़ करें, जो भी उनके पास ग्राहक आएगा वो सैनिटाइज़र यूज़ करके ही उसको दिया जाएगा। तीसरी चीज़ हमने ये की कि हमारे यहाँ पे जो EPF के जो सिपाही हैं उनको हमने सभी दुकानों पे तैनात किए हैं, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि नॉर्मल डिस्टेंस वो मेंटेन करें। और जिन जगह पे हम EPF के सिपाही नहीं लगे, हमने पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट की और पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग हमें इसमें मिल रहा है और उनके माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जा रही है। अभी आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार कई जगह से फ़ोन भी आया है, कई जगह से कंप्लेंट भी आ रही है आपके पास, किस तरह की अभी व्यवस्था है शहर की बात? हमारे बेसिकली पांचों सर्किल के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो और हमारे जो EPF के थाने हैं वो इंचार्ज हैं, वो सब राउंड पे हैं, और जहाँ पे भी शिकायत अगर ऐसी हमारे पास आ रही है कि सब यहाँ भीड़ ज़्यादा है, तो इमीडिएटली उनको वहाँ पे मौके पे भेज के और व्यवस्था कराई जाती है। और अभी तक कुल सुबह से 2 घंटे में देखें तो 3-4 ही शिकायत हमें आई है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद सिस्टमेटिक ढंग से। कल जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी, कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं हुई, इसके चलते अब विभाग को निर्णय लेना पड़ा, वापस शराब की बिक्री रोकी गई, क्या कमियाँ रही थी, क्या पूरी तैयारी नहीं थी? कल एक तो पहला दिन था और पहले दिन में इनिशियली एक प्रॉब्लम तो ये आती है कि हमारे यहाँ से स्टॉक जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है, उसमें थोड़ा सा समय लगा और एक दुकानदारों द्वारा वो उसको इतनी गंभीरता से भी नहीं लिया गया। लेकिन जैसे ही उनको कल हमने मीटिंग लेके समझाया तो उनके द्वारा पूरी व्यवस्थाएं सब जगह की गई हैं, सभी जगह बैरिकेटिंग करके और निश्चित रूप से ढंग से व्यवस्था की जा रही है। तो लगातार सुनील भाटी आज अपने चैम्बर में बैठकर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से कल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, आज पूरी पालना उनकी हो, विभाग की ओर से भी क्या इनिशिएटिव किए गए हैं, बैरिकेटिंग सभी जो दुकानें हैं उन दुकानदारों को उनको निर्देश दिए गए हैं कि बैरिकेटिंग करवाई जाए, साथ ही पुलिस प्रशासन का भी आज सहयोग लिया गया है, सभी दुकानों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, साथ ही टोकन सिस्टम भी उनको दिया गया है ताकि किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग फेल ना हो, लगातार उसकी पालना करवाकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद है। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।